इधर आ जाओ। हाँ ये सबसे बढ़िया चीज क्या है ना कि अपने परिवार को छोड़कर जब नए लोगों में घुसते हैं ना वो ज्यादा मजेदार है। जैसे एक शादी में कहीं से भी घुस जाओ ना आगे इधर उधर से, किसी को कुछ पता ना हो, खाओ पियो लात मारो नाचो गाओ और आगे भूल जाओ, तो वो वाला जो फैक्टर है ना वो वाला मजेदार है। आपकी फेवरेट सीजन अब तक बिग बॉस की? मेरे को वो तो याद नहीं है नंबर संबर, लेकिन उसमें आशुतोष भाई था और राजा चौधरी और यही दो बंदे ऐसे थे जिनके भरोसे वो शो चला। राजा चौधरी के बोलने का तरीका या आदमी हो कैसा भी हो, बदनाम कर दिया लौंडे को, ठीक ठाक है और उसके बोलने का तरीका, और आशुतोष तो है ही वो क्या बोलते हैं उसको, एक रहा का बंदा, तो वो अच्छा था बस। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट? राजा चौधरी। आप कितने दिन सर्वाइव करेंगे एक घर पे? मैं जीत के निकलूंगा आप जानूंगा तो। कोई स्ट्रैटेजी लेके आए आप? नहीं यार सोचता नहीं हूँ मैं, ज्यादा सोचूंगा फिर ऐसे दूसरों से पूछोगे आप वो भी सोचेंगे, तो सोच में शौचालय बन जाएगा, मैं सोचने बोलने का पंगा पाड़ता नहीं। फेलो कंटेस्टेंट्स के लिए कोई मैसेज या कोई मतलब साथ वालों के लिए? हाँ अब अगर आपको पता है कौन है तो। नहीं तो मैसेज तो देना ही है, मैसेज तो जाना ही है यार। मैं तो यही कहूंगा जैसे हो ना वैसे रहना मस्त, बस ओवर एक्टिंग मत करना नहीं वो पकड़ी जाएगी फिर धरी जाएगी। तो मिलके रहो एक घर की तरह रहो, और घर से अच्छी लड़ाई कहीं होती नहीं है, घर से अच्छी महाभारत कहीं होगी नहीं, घर में ही सब मिल जाते हैं यार, अर्जुन करण के कई पे कई से कई दशरथ वशरथ, तो घर से अच्छी महाभारत होनी नहीं है, अपना घर में रहेंगे तो महाभारत भी होगी और रामायण भी होगी।